सभी को नमस्कार। आज हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है वो है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड असेंट ऑफ सेल, जल अवशोषण और प्रसारोहण। इस टॉपिक के अंदर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से पौधों में जड़ों से लेकर ऊपर तक पानी का प्रवाह होता है। जल अवशोषण की हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि एक जो पौधा है, नॉर्मली सामान्य जो पौधा है वो अपनी जड़ों की सहायता से पानी को भूमि से एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और इस पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। इस क्रिया को प्रसारोहण कहा गया है, प्रसारोहण, असेंट ऑफ सैप। बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो वर्षा जल भूमि पर गिरता है, तो हमें पहले जानना होगा कि ये जो वर्षा जल आया है भूमि में किस रूप में सुरक्षित है, संरक्षित है, पौधे इसका इस्तेमाल किस प्रकार से कर पाते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि जो वर्षा जल है वो किन किन रूपों में भूमि के अंदर संरक्षित रहता है। अगर हम सामान्य रूप से देखें अपने आम दिनों में जब वर्षा होती है तो बहुत सारा पानी बह जाता है, इसे रन ऑफ वाटर बोलते हैं, रन ऑफ वाटर। यह जल किसी काम का नहीं है, ये नदी नालों इनमें बह जाता है, इसलिए पौधे के लिए किसी प्रकार से उपयोगी नहीं है। इसके बाद में कुछ जल जो है वो भूमि में नीचे की ओर जाता है। इसी नीचे की ओर जाने के आधार पर जल बेसिकली निम्न प्रकार का है, हम टाइप में बांटते हैं। हम देखते हैं कि जो जल है वो जो भूमि में गया है वो किस किस प्रकार का हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रेविटेशनल वाटर। ये जो ग्रेविटेशनल वाटर है इसको हम गुरुत्वीय जल कहेंगे, गुरुत्वीय जल। इसका मतलब हो गया कि पृथ्वी के जी के प्रभाव से पानी वाटर टेबल तक पहुंच जाए, वाटर टेबल तक पहुंच जाए। इस प्रकार से ये जल बहुत गहराई में आ जाता है, पौधे इस जल का उपयोग नहीं कर पाते। तो ये हम कह सकते हैं नॉट यूज्ड बाई प्लांट। लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं है। कुछ जीरोफाइट इसका यूज भी करते हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, मरुद्वीपीय पौधों के लिए कई बार काम का होता है, लेकिन सामान्य रूप से ये काम का नहीं है, ये हमें ध्यान रखना होगा। नंबर टू वाटर जो है वो है केमिकल बाउंड वाटर, केमिकली या केमिकल बाउंड वाटर। केमिकल बाउंड वाटर जो है वो हमेशा भूमि के अंदर जो खनिज लवण हैं उनके साथ रिएक्शन करता है। इस प्रकार से का जैसे एक उदाहरण हम देखें तो हो जाएगा FeSO4.7H2O। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जल है वो FeSO के साथ बाउंड है, तो इस प्रकार के जल का उपयोग पौधे नहीं कर पाते, ये पौधे के लिए उपयोगी नहीं है। तीसरे प्रकार की कैटेगरी की बात करें, थर्ड टाइप, तीसरा प्रकार जो है वो है
हाइग्रोस्कोपिक वाटर, आर्द्रता ग्राही जल कहेंगे इसको। बेसिकली जो सोयल पार्टिकल हैं उन पार्टिकल्स के ऊपर ये एक फिल्म के रूप में जमा हो जाते हैं। पौधे इनका यूज कर भी पाते हैं और नहीं भी, डिपेंड ऑन कंडीशन। ये क्योंकि एक प्रकार से बंधित जल ही है तो बहुत ही कम यूज होता है, अधिकांश भाग अनयूज्ड ही रह जाता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इसका यूज किया जा सकता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि नॉट यूजफुल फॉर प्लांट। और चौथे प्रकार का जो वाटर है, फोर्थ टाइप, सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका पौधे सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, वो है कैपिलरी वाटर, केशिकीय जल। आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे एक कॉटन क्लॉथ को अगर आपने पानी में भिगोया या पानी से टच किया तो वो गीला हो जाता है, वेट हो जाता है, गीला हो जाता है। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि जो पानी, जो मिट्टी के कण हैं उनके बीच में जो स्पेस हैं कैपिलरी के रूप में है, और इनके अंदर ये पानी पाया जाता है, जड़ें भी यही होती है। इसीलिए पौधे, पादप इसका मैक्सिमम यूज करते हैं। पौधों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जल में सबसे ज़्यादा मात्रा यही है, कैपिलरी वाटर सभी जगह पाया जाता है। हालांकि इसकी सांद्रता इस बात पर भी डिपेंड करती है कि मिट्टी किस प्रकार की है। अगर हम देखें तो जो दोमट है वो सर्वोत्तम मानी गई है पौधों के लिए, लेकिन चिकनी मिट्टी में, जिसको क्ले कहते हैं, उसमें इसकी मात्रा मैक्सिमम होती है। तो पौधों के लिए जो उपयोगी पानी है वो है कैपिलरी वाटर। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जल के प्रकारों के बाद में, कि कोई भी पौधा जल अवशोषण करता कैसे है, कौन से भाग से करता है। अगर हम किसी पौधे की संरचना ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि पौधा तीन भागों में बटा होता है। सबसे निचला भाग जड़ें हैं आपके सामने, रूट। उसके बाद में उसका ट्रंक, और उसके बाद में उसकी कैनोपी और लीव्स वाला पार्ट। पौधे के लिए जल अवशोषण का जो मुख्य केंद्र है वो है रूट। लोअर प्लांट्स की अगर हम बात करें, लोअर प्लांट, तो उनके अंदर यही कार्य राइजोइड्स करते हैं। राइजोइड्स मूलाभास, मूलाभास द्वारा जल का अवशोषण होता है। बेसिकली ये कार्य जो है वो ब्रायोफाइट में होता है, ब्रायोफाइटा समूह जो है उनमें होता है। इसके अलावा सभी पौधों में एक टिपिकल रूट सिस्टम होता है, उसके द्वारा ये किया जाता है। लेकिन रूट के अंदर अगर हम देखें तो रूट स्वयं अनेक भागों में बटी होती हैं। कौन सा भाग ऐसा है जो पानी अवशोषण में सक्रिय भूमिका निभाता है? तो देखिए, सपोज दैट ये रूट का भाग है, मान लेते हैं रूट है, तो इसका जो शीर्षस्थ भाग है, टर्मिनल भाग है, जो एक कैप द्वारा ढका होता है, इसको रूट कैप कहते हैं। रूट
कैप, इसके अंदर आर ए एम होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट कैप इस आर ए एम की सहायता करता है। ये भाग जो है वो यहाँ तक है, इसलिए इसको हम मेरिस्टमेटिक रीजन भी कह सकते हैं। मेरिस्टमेटिक रीजन या विभिद्युतक क्षेत्र, ये वृद्धिशील क्षेत्र है जिसकी वजह से जड़ों की लंबाई में बढ़ोतरी होती है। यहाँ की जो सेल है, इस भाग की जो सेल है, वो धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ाती है, मतलब स्थायीकरण की हो जाती है, स्थायित्व की ओर जाती है। इसलिए इस क्षेत्र का जो नाम है वह है इलोंगेशन जोन। दीर्घीकरण क्षेत्र। और लास्ट और फाइनल जो पार्ट है वो है इसका, और सबसे महत्वपूर्ण भाग भी यही है, इसको हम परमानेंट क्षेत्र कहते हैं। रूट हेयर्स आपको यही मिलेंगे, इसी जगह हमें रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं। इसको मूल रोम क्षेत्र भी बोलते हैं या परमानेंट रीजन भी बोलते हैं। फंडामेंटली है कि ये भाग जो है वो जल अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है। जल अवशोषण तभी होता है जब जाइलम पाया जाए, तो इस भाग में जाइलम का विकास हो जाता है, यहाँ तक जाइलम बन जाता है। इसका मतलब यह कि जो फ्लोएम, इस भाग को पोषण चाहिए, तो फ्लोएम पहले बनता है और जाइलम बाद में बनता है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाइलम जो फ्लोएम है वो नीचे तक है और जाइलम थोड़ा सा ऊपर है। कभी कभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जाइलम की कंडीशन क्या होगी, तो डायग्रामेटिकली हमें ये पता है कि जहाँ पर जल अवशोषण होता है वहीं पर जाइलम होना चाहिए, तो जाइलम हमेशा परमानेंट रीजन से डेवलप होना शुरू होता है। तो ये है मेन इसका पार्ट। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड पोर्शन, जल अवशोषण की, वाटर एब्जॉर्प्शन की, जल अवशोषण की। सबसे पहले 1949 में क्रेमर ने जल अवशोषण के बारे में बताया। क्रेमर ने बताया कि पौधों में जल अवशोषण दो प्रकार से होता है। वो जो दो टाइप हैं वो हैं, पहला निष्क्रिय जल अवशोषण, इनएक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, और सेकंड है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। सक्रिय निष्क्रिय जल अवशोषण, निष्क्रिय जल अवशोषण, और दूसरा है सक्रिय जल अवशोषण, सक्रिय जल अवशोषण। विस्तार से हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इसके अंदर अंतर समझते हैं। निष्क्रिय का मतलब होता है नो एनर्जी यूज, यहाँ पर ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं होता है, यहाँ पर एनर्जी यूज्ड बाय प्लांट। पहला तो यही हो गया, मोटा मोटा अंतर तो यही है, ऊर्जा का उपयोग होता है, ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। नंबर दो, यहाँ पर
जो सक्रिय भाग है, मतलब जल अवशोषण में जिसकी सक्रिय भूमिका होगी वो होगा पादप का शीर्ष भाग, मतलब पत्तियां। और यहां पर पादप का सक्रिय भाग जो होगा वो होगा पादप का निचला भाग, और ये है जड़। यहां पर तीसरा इंपॉर्टेंट अंतर यह है कि यहां पर ट्रांसपिरेशन पुल की भूमिका होती है, ट्रांसपिरेशन पुल की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। वाष्प और सजन आकर्षण बल जिसको कहेंगे उसकी भूमिका होती है ट्रांसपिरेशन पुल। और इसके अंदर बेसिकली एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है, साथ ही यहां पर मूल दाब निर्मित होता है, मूल दाब क्रिएट होता है। तो ये तीन बेसिक डिफरेंस है जिसकी सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा जल अवशोषण महत्वपूर्ण है। साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि निष्क्रिय जल अवशोषण की मेथड अलग प्रकार की है और एक्टिव जल अवशोषण की मेथड अलग प्रकार की है। ये इसका पहला पार्ट है। सेकंड भाग में हम इन दोनों भाग के बारे में डिटेल से बात करेंगे और रसारोहण के संबंध में जितनी भी थ्योरियाँ दी गई है, सिद्धांत दिए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इन भागों से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।